नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चार पहिया वाहन काटने वाली गैंग के 2000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध रूप से वाहन काटने के मामले में थाना तलेन, जिला राजगढ़, थाना सिविल लाइन देवास, थाना सरदारपुर धार से फरार आरोपी जसपर, थाना सिविल लाइन देवास के प्रकरण में 2000 रुपए के इनाम बदमाश शहर में फरारी काट रहा है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना नाम मोहम्मद शकील होना बताया। आरोपी से सख्ती से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार करते हुए ट्रांसपोर्ट नगर के डिस्पोजल व्यापारी आजम अली उर्फ अज्जू के साथ चार पहिया वाहन काटना बताया, जिस पर उसे भी गिरफ्त में लिया गया है। जो वाहन होते हैं उनको काटने के, जो ट्रक पुराने जो ट्रक होते हैं उनको काटने के मामले में दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच के द्वारा हिरासत में लिया गया है। ये इसमें थाना तलेन जिला राजगढ़ में से ये लोग फरार थे। इसमें देवास के सिविल लाइन थाने से ही फरार थे, जहाँ से इन पर इनकी गिरफ्तारी पर 2000 रुपये का इनाम भी था। और इस वक्त इसमें सरदारपुर थाना जिला धार से भी ये लोग फरार थे। तीन जगह से ये लोग फरार थे और इसमें ये ट्रक कटिंग का मामला, ट्रक कटिंग का गैंग था, जिसमें कि ट्रक को ये काट के और व्यापारी को इस पर बेच देते हैं। इस पर से तीनों जगह थानों में अपराध पंजीबद्ध है। इसमें क्राइम ब्रांच के द्वारा मोहम्मद शकील और आजम को, दोनों को हिरासत में लिया गया है। आजम गाड़ी काटने का काम करता था और ये जो शकील था वो व्यापारी था। इन दोनों को हिरासत में लेकर तलेन पुलिस इनको ले गई है और वहाँ वैधानिक कार्रवाई इनके द्वारा की जा रही है।